तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल हर्ष यूर सीएससी गाइडर। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं इंडियन रेलवे अप्रेंटिस के बारे में। दोस्तों इंडियन रेलवे ने अप्रेंटिस के फॉर्म निकाले हैं जो कि 11 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए उसके बारे में थोड़ी सी, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्रोम ओपन करना होगा। क्रोम में हमें सर्च करना होगा सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट दोस्तों वो साइट है जहाँ पे आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म देख सकते हो। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो सेकंड या थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है रेलवे SSCR अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2021, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें आप इंडियन रेलवे SSCR बिलासपुर अप्रेंटिस लिखा हुआ है उसमें नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे आपको डेट दिखा देगा, इसकी स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट। उसके बाद आपकी जो फीस है वो दिखा देगा, आपकी जनरल की SC ST की, यहाँ पे किसी भी कैटेगरी की कोई फीस नहीं है। लास्ट डेट जो है वो 10 अक्टूबर है। उसके बाद अगर हम ट्रेड की बात करें तो इसमें दोस्तों कोपा 90 वैकेंसी, स्टेनो हिंदी 15, इलेक्ट्रिशियन 40 और NC, और साथ में उनकी ट्रेड लिखी हुई है कि किस ट्रेड की कितनी वैकेंसीज हैं। तो आप यहाँ से अपनी देख सकते हैं कितनी किस चीज़ में वैकेंसीज निकली हुई हैं। जैसे यहाँ पे स्टेनो इंग्लिश की 15, फीटर की 125, वायरमैन की 25, RAC मैकेनिक की 15, प्लम्बर की 4, कारपेंटर की 13, टर्नर की 5, ऐसे करके यहाँ पे सारी वैकेंसीज और उनकी ट्रेड लिखी हुई हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद चलिए मैं आपको बता दूँगा आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज खुलेगा, इसमें आपने मान लीजिए अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आप वहाँ से जाकर देख के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन ID डालनी है, पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है। तो चलिए मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ एक बार। लॉगिन करने के बाद आपको अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ पर क्लिक करना है। ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है कि आप कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद आपको कोर्स टाइप में जाना है, कोर्स टाइप में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिज़ाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको लोकेशन और कोर्स सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए इसकी अप्रेंटिस जो निकले हुए बिलासपुर में निकले हुए तो आपको यहाँ पे बिलासपुर सर्च करने के क्लिक करना है। उसके बाद आपको लोकेशन डालनी है, लोकेशन मान लीजिए इसकी कोर्स डालना है आपको। कोर्स में आपको इलेक्ट्रिशियन, मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थी ITI में, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन सिलेक्ट करके यहाँ पे आपके सामने फिर दिखा देगा कि बिलासपुर में इलेक्ट्रिशियन की कौन सी ट्रेड और कहाँ पे निकली हुई है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिखा दिया साउथ ईस्टर्न, साउथ SCCR में दिखा दिया यहाँ पे निकली हुई है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद एनी लोकेशन पर क्लिक करके SCCR पर क्लिक करना है और ओके क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर कोने में लिखा गया अप्लाइड सक्सेसफुली। उसके बाद आपको व्यू पर क्लिक करना है और ये आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका है। ये देखिए अप्लाइड ऑलरेडी 12 सितंबर यानी कि आज आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका है। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए। मैं नहीं आया तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो क्या नहीं। धन्यवाद।